बैक टू ट्रेड विद मावी। सो लेट्स सी आज मार्केट कैसी रही और हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो मार्केट आज फ्लैट खुली कल के हाई के पास, और उसके बाद सीधा फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके बाद सेकंड कैंडल में भी पूरी इंगल्फिंग कैंडल बनाई और बहुत ही ज़्यादा बेरिश स्ट्रक्चर उसने बना दिया था कि बहुत ज़्यादा बेरिश है आज मार्केट। ये उसने फर्स्ट सेकंड कैंडल में दिखाई थी, उसके बाद थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रही और उसके बाद से दोबारा एक फॉल दिखाया। तो ये ट्रेंड लाइन थी जो कल की जिस पर मार्केट सपोर्ट ले रही थी, इसने इसको जैसे ही तोड़ा तो बीयर्स थोड़े और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे फिर रिटेस्ट के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है मार्केट में। तो आज अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है मार्केट में जो बीयर्स थे, और एक ट्रेंडिंग मार्केट को हम कैसे कंटिन्यू दोबारा उसमें, अगर सपोज हमने ऊपर कोई एंट्री छोड़ दिया और हमें दोबारा एंट्री उसमें कहीं देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है और एक साइड में मूव कर रही है, साइडवेज नहीं है या फिर रैंडम मूव्स नहीं दे रही है, तो मार्केट मोस्टली ऐसे ही, जैसे कल ट्रेंड लाइन हमने देखा था इधर थी ट्रेंड लाइन, अगर हम कल की देखते हैं तो कल मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन में मूव करा कि अप गई, यहाँ तक आया सपोर्ट लेके फिर अप गई। और अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट डाउन मूव में थी और आज भी इसी ट्रेंड लाइन पे मूव करी है। तो नीचे गिरी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरी, फिर इस एरिया के अराउंड रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरी। तो अगर जैसे कोई यहाँ पे एंट्री मिस करता है तो यहाँ एंट्री बना सकता है अपनी, किसने यहाँ दोनों जगह एंट्री मिस करी तो यहाँ एंट्री बना सकता है। तो मार्केट ने तीन चार पोजिशन दी थी एंट्री बनाने के लिए आज, और काफ़ी बेरिश डे रहा है और काफ़ी अच्छा दिन रहा है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स जिन्होंने पुट लेके सुबह बैठ गए थे, आज उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। अब देखते हैं मार्केट कल क्या कर सकती है, उससे पहले देखते हैं कि यार इसने डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बनाई है। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, विच इज कि लास्ट पूरी कैंडल को उसने कवर कर लिया, इंगल्फ कर लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल हो गई है। और इसके बाद ये काइंडा जो चैनल में चल रही है उसके टॉप पे भी है, 17900 टॉप है उसका। उसके बाद एक सडन बहुत बड़ा मूव दिखा है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, और उसके बाद अब देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकती है। तो जो पॉसिबिलिटीज है 17600 सपोर्ट बन गया, 17700 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, उसका 17800 रेजिस्टेंस बन गया। तो कल वैसे ही फ्राइडे प्रीमियम बहुत बेकार होता है, मार्केट बहुत स्लो होती है फ्राइडे को, यूजुअली इतना अच्छा दिन जाते नहीं है फ्राइडे को। तो मार्केट हो सकता है कल एक रेंज बाउंड हो जाए, मार्केट कल 17600 से लेकर 17700 के बीच में काफ़ी मूव देती रहे, या फिर अगर कल प्रीवियस डे लो तोड़ती है ये कल का और उसके बाद 17535 के बाद ये तोड़ती है तो हमारा जो एरिया बन रहा है हार्मोनिक्स का, जैसे हमने पहले डिसाइड करा था कि मार्केट अगर ऊपर जाना है मार्केट को, जो हमने यहाँ पर डिसाइड करा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाना होगा, सेम अभी मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है विच इज डबल टॉप। लास्ट वो डबल बॉटम बना था, अभी डबल टॉप बना है। तो इसमें कैसे मूव आया है, ये मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस करा, फिर एक दूसरा टॉप बनाया और उसके बाद क्लोजिंग दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दिया वो अपने सपोर्ट के नीचे करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 17600 का, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो मार्केट अब थोड़ा बेयरिश मूव में आ गई है दोबारा। तो अब कल अगर इसको तोड़ती है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे निफ्टी, तो मैं अपना टारगेट 17460 से 17480 का राउंड लेके एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, अगर यहाँ पे हमें कैंडल मिलती है कोई भी शॉर्ट पेन बार वगैरह। नहीं अगर रेंज बाउंड मार्केट रहती है तो कल ट्रेड नहीं करेंगे, कल स्टॉक्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि मार्केट ने इस वीक में काफ़ी मूव दे दिया है और काफ़ी अच्छा पैसा बनवा दिया है लोगों का। तो अब देखते हैं मार्केट लोग कैसे रहते हैं, तब के लिए